मैं कहाँ पहुँचा? परेशान हो गए भैया, कहाँ करी हम, गरीब नहीं कहाँ से करी। अब लड़की बाहर पढ़े जा था, वो भी सो जा था, गिर पड़ा था, इसके दवा नहीं लगी है, कोई दवा में फायदा नहीं किया। क्या करी क्या करी, फायदा दवा मिली हुई वो से फायदा मिला यहाँ से, अगर मरे से हाँ वहाँ से मिला है फायदा भा, तब से बंद हो गई दवाई, चूँकि यहाँ नहीं चुप गए हैं फायदा में। इनके थोड़ा अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हैं, तो मैं इनके बारे में जो ये कहना चाह रही हूँ मैं बताना चाहूँगी कि पहले 6-7 महीना पहले इनकी पोती है तो वो हमेशा बीमार रहती थी, तो इन ये डॉक्टर के बहुत डॉक्टर के पास गई, सही इलाज नहीं हो पाया, इनकी पोती ठीक नहीं हुई। तो हमारे ओर से हमारी फैसिलिटेटर और आंगनवाड़ी वर्कर मिलके इनकी पोती से मिले और इनसे भी मिले और इन्हें बताया कि पहले सबसे पहले इसके खान पान पर आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसके खान पान पर इसकी माँ और ये मिलके ध्यान देना शुरू किए। फिर जो हमारी हेल्थ वैन आती है महीने में 2 बार, उस हेल्थ वैन के डॉक्टर से हमने इनको मिलाया, तो वहाँ पे उन्होंने चेकअप किया तो उन्हें बताया कि इसको जॉन्डिस की शिकायत है, इसको इसका जॉन्डिस चेकअप कराइए और हॉस्पिटल ले जाइए। तो चेकअप हुआ, उसके बाद उन्होंने दवा दी, तो उस दवा से इनकी पोती को बहुत फ़ायदा हुआ। तो ये बहुत खुश हैं कि इतने दिनों से ये परेशान थी, लेकिन हमारे हेल्थ वैन की वजह से इनको सही मेडिसिन और सही मेडिकेशन इन्हें मिल पाया। तो ये वही बोलना चाह रही थी लेकिन वो बोल नहीं पाई। तो इनकी ये कहानी है और ये आंगनवाड़ी के इस सेवा से खुश हैं और अभी भी अपनी बेटी पे, अपनी पोती पे ये ध्यान दे रही है और पहले से बहुत अच्छे कंडीशन में है इनकी पोती।